सो व्हाट्सअप गाइज, आयुष्मान हियर, वेलकम टू ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग रिएक्शन वीडियो करने वाले एल्विश यादव के ऊपर, और वो एल्विश यादव का वीडियो है बॉलीवुड के ऊपर। तो गाइज, अभी हम लोग बॉलीवुड के ऊपर रिएक्शन करने वाले, देखते हैं अंदर का क्या झोल झपाटा रहता है। और सो गाइज, तुम लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो। सो गाइज, तुम लोग जिस टाइप का रिएक्शन वीडियो चाहिए होगा वो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस सॉन्ग के ऊपर, उस म्यूजिक वीडियो के ऊपर सब कुछ रिएक्शन वीडियो करने के लिए तुम लोग के लिए रेडी हो। सो गाइज, अभी मेरा एक नया वीडियो आने वाला है टैटू रिलेटेड, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर फटाफट सब्सक्राइब करो। तो अभी देखते रिएक्शन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेट्स गो। सो गाइस, सब अभी देखते रिएक्शन वीडियो करते हैं एल्विश यादव के न्यू वीडियो के ऊपर। और मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक ये वाले वीडियो के ऊपर किसी ने रिएक्शन नहीं किया, तो गाइस जितना हो सके उतना तुम लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो, मैं तुम लोग को और अच्छे अच्छे रिएक्शन वीडियोस ला कर दूंगा। और मेरे आईडी पर ये थर्ड वीडियो है रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, कुछ भी मिस्टेक होगा तो माफ कर देना, मैं अच्छी तरह और करूंगा। लेट्स गो, अभी रिएक्शन देखते हैं। Arjun, you are the grandson of producer Surinder Kapoor, son of producer Boni Kapoor and entrepreneur Mona Shuri Kapoor, cousin of actor Sonam Kapoor, nephew of TV tycoon Sandeep Marwa, nephew of actor Anil Kapoor. Tell me, was it tough to get into Bollywood for you, huh? Was it tough? Did you have any fucking connections? You self-made man. हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग सेफ हैं और अपने घरों में मौज ले रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेपोटिज्म। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो ही बनेगा जो हकदार होगा। मैंने अभी तक देख लिया होगा, ये एक नेपोटिज्म वीडियो होने वाला है जो बॉलीवुड में चलता है, जो अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, जो बॉलीवुड में पहले से स्टार है, तो उनके बच्चे लोग को कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मतलब पैसा देकर सब कुछ काम भी हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर देखते हैं एल्विश यादव वो पर्पस के लिए क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। तो चलो फिर अभी जो उसका असली हकदार है उसको देखते हैं कि भाई इस टॉपिक को कवर करूं और इस पे वीडियो बनाऊं। बट अब जैसे धीरे धीरे चीजें सामने आती जा रही हैं तो मेरे को लगा ये बिल्कुल सही टाइम है अपना ओपिनियन शेयर करने का। और जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, क्या पता अब यूट्यूब वर्सेस बॉलीवुड भी हो जाए, अगर हो जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बॉलीवुड वाला चीज बताना चाहता हूं। सही सीन होगा, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वक्त आपको वीडियो पता होगा, नहीं पता होगा तो भाई तुम लोग किस दुनिया में जी रहे हो। सो और तुम लोग को पता है एल्विश यादव की वजह से टिकटॉक का ड्रामा चालू हुआ था और कैरिमिनेटी पे जाकर खत्म हुआ। तो अभी देखते हैं बॉलीवुड का क्या ड्रामा रहता है, मतलब अंदर का क्या साइड होता है क्या नहीं होता है। तो इसके अंदर एल्विश यादव ने बताया है कि ये वीडियो रोस्ट वीडियो नहीं है। तो गाइस, अभी अजय शर्मा ने बता दिया रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला है, फैंस को बुरा भी लग सकता है। और जिन लोगों की इस वीडियो में बात करूंगा, अगर तुम उनके फैंस हो तो तुम्हें लगना भी चाहिए, बुरा नहीं, तुम्हें दो रैपट लगने चाहिए। फैंस, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि गाइस, उन्होंने अभी तक देख लिया होगा ये एक रोस्ट वीडियो नहीं वाला, रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला है, जैसे कि टिकटॉक का रोस्ट वीडियो था और टिकटॉक बैन हो चुका है। तो सो गाइस, ये क्रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला है, देखते हैं अभी आगे का मतलब क्या बताएंगे एल्विश यादव जी। तो चलो देखते हैं, पर अभी तक कंफर्म हो गया क्रोस्ट वीडियो नहीं होने वाला है टिकटॉक के जैसा, देखते हैं क्या क्रिंज होता है अंदर क्या नहीं होता है। लेट्स गो, समझा दूं कि नेपोटिज्म होता क्या है। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, मैं समझा देता हूं कि जो बंदा पावर में होता है वो अपने लोगों की, अपने यार दोस्तों की हेल्प करता है उनको आगे बढ़ाने के लिए। और ये सब बॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है, ये हर चीज में और सदियों से चलता आ रहा है, चाहे बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, म्यूजिक इंडस्ट्री हो गया, मतलब हर चीज में नेपोटिज्म है। नहीं पता है कहाँ पता है। तो आज हम बात करते हैं, गाइस पता होगा नेपोटिज्म क्या होता है, जो हर लाइन में चलता है, मतलब बॉलीवुड में, यूट्यूब पर, सब जगह चलता है नेपोटिज्म। तो फिर एल्विश यादव वही बोल रहा है, अभी तक तुम लोग को पता नहीं होगा एल्विश नेपोटिज्म क्या होता है, तो अभी एल्विश यादव ने बता दिया है मतलब नेपोटिज्म क्या होता है क्या नहीं होता है। और अपने मोदी जी भी आ गए बॉलीवुड की, क्योंकि यहाँ पे चीजें नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो पूरी सुनना। सपोज बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा स्टार है, वो अपने बच्चे को एक्टर बनाना चाहता है, तो भाई उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसने मेहनत कर रखी और इस मुकाम पे पहुंचा है कि अपने बच्चे को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। पर चीजें वहाँ खराब हो जाती है जब आपका बच्चा अर्जुन कपूर है। क्या तकलीफ है भाई,
क्या तकलीफ है इनको। चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो गाइस मतलब एलवी शादे ने बोला जो नेपोटिज्म होता है फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, तो वैसा फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। मतलब उसके बेटे को एक्टिंग आए या ना आए, बट वो एक अच्छा एक्टर बनना चाहिए। जैसे कि अर्जुन कपूर है, उसको कुछ आता जाता है नहीं, और अर्जुन कपूर से भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स है, पर उनको चांस नहीं मिलता। तो फिर वो बताया अभिषेक। हाँ, मैं चूते का अल्टरनेटिव वर्ड अर्जुन कपूर रख रहा हूँ। एक काम करते हैं, सीधा चूतिया बोल देते हैं, तो भाई बात वहाँ खराब हो जाती है। जब आपके बच्चे में टैलेंट ना हो और आप लाखों डिजर्विंग टैलेंटेड बच्चों की अपॉर्चुनिटी उस चूते को देके वेस्ट कर दो। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में एक दो ही ऐसे चूतिया स्टार किड्स हैं, बल्कि 70-80% बॉलीवुड में ऐसे अनटैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं, और इन सब का ठेका एक ही आदमी ने ले रखा है, सॉरी एक ही औरत ने ले रखा है। चलो एक काम करते, जेंडर में मजाक नहीं उड़ाते, एक ही इंसान ने ले रखा है, जिसका नाम है करण जौहर। सब करण जौहर ही पिक्चर बनाता है, जो भी बड़े बड़े रिच फैमिली से आता है बॉलीवुड में। तो क्या है, मतलब तुम लोग एक मान सकते हो, जो सब लोग करण जौहर के पास ही जाते हैं अपने बच्चे लोग को लॉन्च करने के लिए। जी हाँ, वही करण जौहर जिसने कई बार अपने शो कॉफी विद करण में सुशांत सिंह राजपूत का मजाक उड़ाया, उसकी बेइज्जती करी, उससे बहुत सारी अच्छी मूवीज लेके वो वाले रोल रणवीर सिंह को दिलवाए, उससे ड्राइव जैसी मूवी करवाई, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिले। सुशांत सिंह राजपूत ने अच्छे अच्छे मूवीज किया, बट वीडियोस सॉरी मूवीज मिला नहीं सुशांत सिंह राजपूत को, सब करण जौहर की वजह से हुआ है, ऐसा अभिषेक यादव बोल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बट वैसे बॉलीवुड में क्रिंज है सच में, क्योंकि अच्छे अच्छे एक्टर्स को मिलता नहीं, जिसके बैकग्राउंड अच्छा होता है वो लोग को ज़्यादा करके मूवीज मिलता है। और लेट्स गो, फिर अभी आगे का कंटिन्यू करते हैं। मिले इसलिए वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवानी पड़ी, जहाँ से सुशांत के करियर का करण जौहर ने ले रखा है। सेम सुशांत के करियर को एंड करने का ठेका भी करण जौहर और यशराज वालों ने लिया, और उसकी डेथ के बाद इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते कि मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। लौड़ा लसन मेरे भाई, तेरी गलती नहीं, हम सभी ऐसे हैं। इंसान की कदर हमें जब होती है जब वो इंसान हमसे दूर चला जाए। बट देख लिया होगा, मतलब सुशांत सिंह राजपूत का जब डेथ हुआ था, तो फिर करण जौहर ने उसके साथ फोटोज अपलोड किया था इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत के साथ। और वैसे ये बात भी सही है कि मतलब जब इंसान नहीं होता है तो अपने को उसकी कदर होती है, मतलब हम लोग फिर प्यार दिखाने लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ाने लग जाते हैं, जैसा कि दानिश जहन का हुआ था, वो मेरा इंस्पायर है। तो फिर वो सब चीज़ों से ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जब भी लोग होते हैं इस दुनिया में तभी उनको सपोर्ट करना चाहिए। जो यंगर सॉन्ग था उसके ऊपर रिएक्शन मैंने किया, वो अभी तक देखा नहीं, तो जाकर फटफट देख लो रिएक्शन वीडियो कैसा है, मुझे बताना, उस वीडियो पर भी जाकर मुझे सपोर्ट करो। और सो गाइस, अभी तक तुम लोग में देखा रहेगा वो कैरी मिनाटी के जो बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहा था, वो सारे स्टार किड्स के फोटोज थे, मतलब जो फीमेल्स में जो भी है उनके सारे फोटोज थे। तो अभी आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, और जाकर देखना कैरी मिनाटी के ऊपर भी मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया न्यू सॉन्ग के ऊपर जो यादगार है। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। स्टार किड्स करण जौहर ने जितने भी स्टार किड्स लॉन्च करे वो सारे चूतियां हैं, कुछ वरुण धवन जैसे महाचूतिया भी, जिनको ना एक्टिंग आती है ना कुछ आती है, बट फिर भी बाप डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कितनी भी फिल्म फ्लॉप हो जाए भाई उनको नई फिल्में मिल जाती है और इंडस्ट्री में सर्वाइव कर जाते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। पहला, अर्जुन कपूर, इस बंदे ने जितनी भी हिट मूवीज दी है उतना ही अनन्या पांडे और आलिया भट्ट का IQ है, मतलब जीरो। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूं। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। Oh, not bad. I did it. तो इनमें से कई लोग अनन्या पांडे कपिल शर्मा के शो में आए थे, और वहाँ पर उनको पूछा था करके तुम्हारे पास और कौन सा टैलेंट है, तो फिर अनन्या पांडे ने बोला मैं अपने जीभ जो टंग रहता है वो नोज को टच कर सकती हूँ। तो भाई ऐसा वाला टैलेंट नहीं पूछा था, अंदर टैलेंट क्या है वो पूछा था। और स्टार क्या है, मतलब
बॉलीवुड में कैसा वो लोग को रीच मिलता है, वो लोग की मूवीज फ्लॉप हो या ना हो वो लोग को तो भी चांस मिलता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत को उसके सारे मूवीज भी हिट जा रहे थे फिर भी मतलब उनको चांस नहीं मिला, वो सारे मूवीज नेटफ्लिक्स के अंदर लॉन्च हो रहे थे। तो अभी देखते हैं स्टार किड्स को ये सब चीज़ों में बहुत फ़ायदा होता है, काश हम लोग भी होते थे स्टार किड्स तो हम लोग को भी बेनिफिट होता था ये सब चीज़ों का। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। लोगों का आईक्यू माइनस में भी है, जो भाई मेरे को कमेंट करके बताना कि तुम्हें कितनों का पता है। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। अर्जुन भाई ने टोटल 14 फिल्में कर रखी हैं जिसमें से 15 फ्लॉप हैं, 2 की शूटिंग अब भी चालू है, मतलब ये आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है। तो अर्जुन भाई अगर तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं एक छोटा सजेशन देना चाहूंगा कि कुछ नहीं धरा यार, पैसा खराब करना छोड़ दो, एक काम करो तुम बस कंडक्टर बन जाओ, क्योंकि बस कंडक्टर बन के तुम बल्कि ज्यादा टिकट बेच पाओगे। बट सिर्फ कुछ ही मूवीज हिट हुए तो फिर अल्पेश यादव ने बोला अर्जुन कपूर को मूवीज नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्लॉप फिल्म करके भी कुछ मतलब नहीं है, अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हो, तो बस का टिकट बेचने के लिए बोला है। तो स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जिसको हम ये भी बोल सकते हैं स्टार किड्स ऑफ द ईयर 2। इस मूवी की स्क्रिप्ट पक्का किसी ने गांजा फूक के लिख रखी थी और जहां तक मेरे सुनने में आई है इसकी शूट भी गांजा फूक के ही हुई है। पर बेचारे एक चीज इनसे गलती होगी, ये भूल गए कि ऑडियंस गांजा फूक के नहीं आती है, ऑडियंस को सब समझ आता है, दिखता है कि क्या टट्टी परोस रहे हैं। तो भाई ऑडियंस ने सीधी मतलब मूवी तो देखी पर करण जौहर को उसकी औकात दिखा दी और उसको बोला अब मैं तुम लोगों को समझाता हूँ कि इंडस्ट्री चल। स्टूडेंट ऑफ द ईयर तुम लोग ने मूवी देख लिया होगा कैसा है कैसा नहीं, तो उसमें भी शर्मा ने बता दिया मतलब क्या क्रिंच है क्या नहीं है। तो आगे देखते हैं, अभी और भी फनी वीडियो है, लेट्स गो। तुम लोगों को समझाता हूँ कि इंडस्ट्री चलती कैसे है। सपोज एक बड़े बैनर वाला बंदा मूवी बनाता है, फर्क नहीं पड़ता मूवी कैसी है क्योंकि क्रिटिक्स बिन के, एक्टर्स बिन के, फिल्म फेयर अवार्ड्स बिन के और यहाँ तक की जनता बिन की, क्योंकि तुमने देखा होगा इनकी चूते से चूते पिक्चर भी 100 करोड़ कमा जाती है और वहाँ दूसरी तरफ चाहे कितनी बढ़िया पिक्चर बना लो, कितनी बढ़िया स्टोरी लाइन रख लो, कितने बढ़िया एक्टर ले लो, बॉक्स ऑफिस पर पिट जाती है। तो अगर 30% गलती इन लोगों की है तो 72% हमारी भी है, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को तो वो लोग के मूवीज़ वो सब एकदम हिट होते हैं और हम लोग भी उनको ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादा करके, जैसे कि सलमान खान है वो लोग हम लोग ज़्यादा करके सपोर्ट करते हैं। तो और वो जो अवार्ड फंक्शन वो सब रहता है वो भी एक सब कुछ डिसाइडेड हुआ रहता है कि किसको ज़्यादा करके मिलेगा, किसको अवार्ड मिलेगा, कौन से पिक्चर का अवार्ड मिलेगा, तो सब डिसाइड किया हुआ रहता है। तो इसमें अवनीश यादव ने बताया, लेट्स कंटिन्यू टू वीडियो। स्टार बनाते हैं आप, तुम एक काम करो ये देखो इंतहाई मोहब्बत के साथ ये सारे इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स हैं सबके फॉलोअर्स इकट्ठे भी कर लूं तो भी अर्जुन कपूर जितने फॉलोअर्स नहीं बन रहे हैं। तो भाई अब तुम खुद देखो कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, टैलेंट को या नेपोटिज्म को। ये पूरा हिंदुस्तान भली भांति देख रहा है। गली बॉय जैसी मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलता है और छिछोरे जैसी मूवी को क्या मिलता है? गली बॉय को बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड मिलता है और केसरी मूवी को क्या मिलता है? अनन्या पांडे को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिलता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए और शारमीन सहगल को मलाल के लिए क्या मिलता है? मुझे पता तुम लोग जानते भी नहीं होगे उसको क्योंकि तुम अच्छी मूवी देखते हो भाई, ऐसी मूवी भी देख ले करो, तुम्हारा ही आईक्यू बढ़ेगा, कुछ अच्छा करो लाइफ में। तो इन लोगों को कौन कौन सी कंपनियों से फंडिंग आती है और क्या एजेंडा चलाते हैं शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। Collusions with the mafia. और साले दाऊद का नाम कौन ले रहा है? रणबीर कपूर वेरी हॉट, इमरान खान एक्सट्रीमली हॉट, सुशांत सिंह राजपूत हॉट आई गेस। तो इसमें बोल रही कौन सुशांत? मेरे को पक्का पता है सुशांत ने जब ये वीडियो देखी होगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा क्योंकि जब कोई गायब इंसान तुम पे कमेंट करता है तो भाई क्या ही फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं अनिल, सारे बॉलीवुड स्टार्स ही आते हैं जो स्टार्स के बच्चे होते हैं वो लोग ही आते हैं। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछा तो फिर उन्होंने कहा करके हु इज दैट, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत ने रिएक्शन दिया इसके ऊपर क्या है क्या नहीं है। तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अनिल कपूर
अनिल कपूर की, अनिल कपूर ये कहता कि भाई मैं अपनी लड़की को हीरोइन बना के छोड़ूंगा चाहे मेरे को कितना ही जोर लगाना पड़े, चाहे कितनी फ्लॉप फिल्में दे ले, पर हमारी सोनम कपूर भी जिद्दी निकली, नो कह रही जा पापा तेरी जान में जोर है तो मेरे को हीरोइन बना के दिखा, और सोनम दीदी जीत गई और अनिल पापा हार गए। बट अब उसकी शादी होगी और उसकी कोई मूवी नहीं आएगी, इस बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि एक तो उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, दूसरा क्या पता उसकी जगह कोई डिजर्विंग इंसान को मिल जाए। बहुत तकलीफ होती है जो अलविश आदर ने बोला वो तुम लोग ने अभी देख लिया होगा, तो फिर अच्छा हो गया, अभी शादी हो गया तो फिर अभी मूवीज भी नहीं आएगा, तो जो डिजर्विंग होते हैं वो लोग को मिलना चाहिए चांस, बट बॉलीवुड स्टार के बेटे रहते वो लोग ज़्यादा करके उन लोग को प्रमोट करते हैं, तो आगे तो कंटिन्यू करते हैं आप लोग को तो। और तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, बहुत तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन स्टार किड्स की मूवीज बॉयकॉट करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई अच्छे टैलेंट को सपोर्ट करो, अच्छे एक्टर को सपोर्ट करो, उससे क्या होगा कि नए टैलेंट को पहचान मिलेगी मार्केट में, कोई भी टैलेंट दबा नहीं बचेगा और मार्केट में न्यूट्रैलिटी आएगी। बॉलीवुड बोला नहीं है, सिर्फ बोला है करके स्टार किड्स के बारे में एकदम डिटेल में पता है क्या है क्या नहीं, वो लोग का कैसा क्रेज होता है क्या नहीं होता, तो तो गाइस तो लोग ने अभी तक देख लिया होगा बॉलीवुड का क्या ड्रामा होता है जो एलवी शर्मा ने एक्सप्लेन किया, तो सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि एलवी शर्मा ने जो जो पॉइंट्स बोला है वो सारे अच्छे हैं और हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, जो अभी न्यू आर्टिस्ट है जिसका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होता, जिसके डैड है सब लोग कोई बॉलीवुड स्टार का बेटा नहीं होता, हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी सुशांत सिंह राजपूत का इंसिडेंट होने के बाद अभी हम लोग को अक्कर आ जाना पड़ता है, मतलब बॉलीवुड स्टार्स को नहीं जो नॉर्मल पीपल है जिसके अंदर टैलेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो इस तरह अभी तरह तुम लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। लेट्स गो, अगले वीडियो में मिलते हैं।